मैं राम स्वरूप सैनी आर्ट्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट नंबर दो की चर्चा कर रहे थे। लेसन आपका है प्रबंध प्रक्रिया का अर्थ, प्रबंध प्रक्रिया की भूमिका एवं विस्तार। विद्यार्थी प्रबंध प्रक्रिया की हमने परिभाषा के बारे में देख लिया था और विशेषताओं के बारे में हमने जिक्र किया था, तो अब उसके बाद में नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है प्रबंध प्रक्रिया में कि प्रबंध का प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं और प्रबंध के सहायक कार्य कौन कौन से। विद्यार्थियों जैसा कि हमने प्रबंध प्रक्रिया में पढ़ा था कि प्रबंध प्रक्रिया से क्या है, तो उसमें सब आए थे कि एक प्रबंधक प्रबंध प्रक्रिया में नियोजन से लेकर नियोजन तक कर लेता है, फिर उसको क्रियान्वित करता है, उद्देश्यों का निर्धारण करना, नियोजन करना, समय पूर्ण नियुक्तिकरण, अभिप्रेरणा, संप्रेषण, निर्देशन और लास्ट में नियुक्तिकरण है। ये सभी कार्य मिलकर सामूहिक रूप से प्रबंध प्रक्रिया में माने जाते हैं। अब इन्हीं ही के द्वारा प्रबंधक के प्रमुख कार्य हैं। अब प्रबंधक के प्रमुख कार्य ये तो प्रबंधक के कार्य में ही चाहिए, मतलब ये प्रबंधक का बेस है। ये जो प्रमुख कार्य है ये प्रबंध प्रक्रिया के बेस है, इनके बिना प्रबंध है वो निरर्थक है। जैसे मैं इसमें व्यक्ति प्रबंध प्रक्रिया या प्रबंध के प्रमुख कार्य विद्यार्थियों प्रबंध के प्रमुख कार्य एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछ सकता है कि प्रबंध के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। अगर आप लघुरात्मक प्रश्न पूछे, जस्ट इससे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछे कि प्रबंध के प्रमुख कार्य का उल्लेख कीजिए, तो उल्लेख करने में आपको जितने भी प्रबंधक के कार्य हैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना भी पड़ेगा। तो आज हम केवल प्रबंध के प्रमुख कार्य के बारे में पढ़ेंगे, प्रबंध के सहायक कार्यों के बारे में पॉइंट पर ही जिक्र करेंगे, तो समझाने वाली बात है, तो आराम का स्वीकृत करेंगे। विद्यार्थियों प्रबंध का प्रमुख कार्य में पहला जो कार्य होता है वो नियोजन का होता है। उसके बाद में प्रबंध का दूसरा कार्य होता है संरक्षण। और प्रबंध का तीसरा जो कार्य है वो आपका निर्देशन। प्रबंध का चौथा जो कार्य है वो आपका है नियंत्रण। और पांचवा है समन्वय करना। ठीक है, ये कार्य आपको याद होने चाहिए क्योंकि प्रबंध के आधार कार्य या प्रमुख कार्य के पांच ही हैं। बहुत सी बार बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये इनके बारे में विस्तार से बात भी देखेंगे आरंभ में जो नेक्स्ट होती है उसमें। तो ये प्रमुख कार्य हो गए। ठीक है, उसके बाद में इन प्रमुख कार्यों के अलावा प्रबंध के सहायक कार्य भी होते हैं। वो प्रबंध के सहायक कार्य कौन कौन से होते हैं इनके बारे में भी हम देखेंगे। प्रबंध के सहायक कार्य सबसे पहला कार्य आपका आता है निर्णय। निर्णय
करता है। उसके बाद में आपका दूसरा प्रबंधक का सहकार्य है आपका नियुक्तिकरण। क्या नियुक्ति करना? या नियुक्तिकरण भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है तीसरा नव परिवर्तन। तीसरा कार्य आपका हो गया नव परिवर्तन और या नवाचार भी हम इसको कह सकते हैं या नवाचार। चार नंबर का प्रबंध के सहकार्य में आपका माना जाता है संप्रेषण। और जो पांचवा कार्य है प्रबंध के सहकार्य में वो आपका होता है प्रतिनिधित्व। इस तरीके से प्रबंध के पांच सहकार्य निर्णय, नियुक्ति करना, नव परिवर्तन या नवाचार, संप्रेषण, प्रतिनिधित्व। तो आज कालांश में हमने प्रबंध के प्रमुख कार्य, प्रबंध के सहायक कार्य के बारे में चर्चा की है। आगामी जो कालांश है उसमें हम इन्हीं कार्यों के बारे में विस्तार से देखेंगे। धन्यवाद।